जहाँ दो छटाक किसी के गरीब के मुख में उदर में डालने को ठिकाना नहीं है, और वहाँ तुम इतना चावल, इतना गुड़, इतना जौ, इतना तिल और इतना घी आग में क्यों झोंकते हो? और ये कौन कहते हैं आज भी, ये कौन कहते हैं बताए, जिसने अपनी जिंदगी में हजारों नहीं लाखों रुपए अपने चेन स्मोकिंग जानते हैं, चेन स्मोकर, एक बार सवेरे एक दिया सलाई की तिल्ली जला करके सिगरेट जला लिया, उसके बाद वो सिगरेट बुझने नहीं पाए, तब तक उस सिगरेट से दूसरा सिगरेट और धरा लेंगे और उसको पीना शुरू करेंगे, और वह भी जब तक समाप्त हो तब तक तीसरा, और इसको चेन स्मोकर कहते हैं। ऐसे ऐसे लोग पूछा जाए कि ये तुम अपनी जिंदगी में लाखों रुपए जो सिगरेट और उसमें भी एक से एक कीमती है, इसमें तुम जो झोंक रहे हो, इससे कितने गरीबों का भला कर रहे हो, तुम क्यों ये सिगरेट पी रहे हो? हमारे यज्ञ के द्वारा तो वायुमंडल का शोधन होता है, एक मिर्च अगर खा ले तो एक आदमी परेशान होगा, और वही एक मिर्च यहाँ अग्नि कुंड में झोंक दीजिए, ये सभा में बैठे हुए सारे लोग उससे क्या लाभान्वित हो जाएंगे, क्या कहेंगे? भोपाल का गैस कांड किसको नहीं पता है जी, कितने कितने लोगों की क्या क्या दुर्दशा हो गई, वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले तत्व तो वायुमंडल में बिखेरे जा रहे हैं, कितनी जहरीली औषधियां छिड़की जा रही हैं फसल के ऊपर, और कितने कितने प्रकार के जहर की गोलियां अन्न की सुरक्षा करने के लिए घर में लाई जाती हैं, और स्वेच्छाचारी बेटे उन गोलियों को खा करके और मौत के घाट उतरते हैं, पोस्टमार्टम होता है। हमने सुना है आजकल वैज्ञानिकों को बड़ी भारी चिंता लगने लग गई है, वायुमंडल में एक तत्व होता है, एक परत है, उसको अंग्रेजी वाले शायद ओजोन बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग इस रहस्य को जानने वाले सिर हिला रहे हैं, हाँ ये ओजोन की कितनी मोटी परत है, 40 किलोमीटर मोटी परत होती है उस ओजोन की, और ओजोन का फंक्शन क्या है, सूर्य नारायण की तीखी किरणें हमारे शरीर तक सीधे अगर पहुंचे तो ऐसे जलाएंगी चमड़ी और हड्डी को, ऐसे गला देंगी जैसे कि ये वेल्डिंग मशीन वाली लपट लोहे को जलाती है और गलाती है। तो उस ओजोन नाम के परत की यही उसकी क्रिया है कि सूरज की तीखी किरणों को फिल्टर करके, छन करके, और हमारे शरीर पर, हमारी फसल पर सहन करने लायक घनत्व में भेजे। अगर वो ओजोन की परत हट गई, और सूरज की सीधी किरणें आएंगी हमारे शरीर पर, तो शरीर तो जलेगा सो जलेगा। सुना जाता है कि उत्तरी ध्रुव का, साइबेरिया वगैरह का सारा बर्फ गल करके और आएगा समुद्र में, और समुद्र सातों मिलकर एक हो जाएंगे, एकाणा हो जाएगा, और उसके बाद बिना डूबे कोई रह ही नहीं सकता, ऊपर से जलो और नीचे से डूबो, विनाश के कगार पर दुनिया जा रही है। सुना है कि आज उस ओजोन की परत बहुत हद तक हट गई, बहुत जगह से हट गई है, यही कारण है कि थोड़े थोड़े समय में ही इतनी तीखी गर्मी आती है सूर्य नारायण की। हमने सुना है आज से 4 या 5 साल पहले इतने लोग मरे उस ओजोन की परत हटने फटने से, इतने लोग मरे कि काशी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर मुर्दों को जगह नहीं मिल रही थी, इतने मुर्दे आए एक साथ में कि वहां के
डीएम को कर्फ्यू लगानी पड़ी कि अब कोई मुर्दा लेकर के काशीपुरी में ना आवे, नहीं तो सारे मुर्दे सड़े पड़ते पड़े पड़े सड़ते रहेंगे और उनको जलाने भर की जगह नहीं मिलेगी, लकड़ी नहीं मिलेगी, फूस नहीं मिलेगा। कई स्मशानों में ये नौबत आई। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे द्वारा ये प्रदूषित वायुमंडल को करने वाली गैसें और पेट्रोल डीजल और जाने क्या क्या सब, हमारे सिगरेट का धुआं ये वायुमंडल को प्रदूषित करता है। कई जगह से परत हट गई है ओजोन की अथवा हल्की पड़ गई है। अब वैज्ञानिकों को चिंता लग रही है कि वो हटी हुई परत कैसे पूर्ति होगी, उसका उसको कैसे कंपेंसेट किया जा सकता है। तो सुना है कि अब के वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि भारत के ऋषियों की जो पुरानी प्रणाली थी यज्ञ और हवन की, अगर फिर से अपनाई जाए तो जो सिगरेट के धुआं और जहरीली गैसों के प्रभाव से ओजोन की परत हट गई है, फट गई है, और फिर उसकी पूर्ति हो सकती है। चलो किसी भी तरह से सवेरे का भूला हुआ शाम तक भी अगर अपने ठिकाने पर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाएगा। तो बंधुओं, ये यज्ञ के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं सहजज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ही, प्रजा की रचना करने से पहले इनका और यज्ञ का दोनों का एक साथ प्रादुर्भाव किया अभिधाता ब्रह्मा ने, और कहा अनेन प्रसविष्यध्वं, इसके द्वारा तुम लोग उन्नति और विकास की ओर बढ़ो। एस वो स्विष्ट काम दुख, ये यज्ञ जो है ये बर्बादी वाली चीज नहीं है। यज्ञ वायुमंडल का शोधन करके तुम्हें जीवन दान देने वाली तो है ही, कामना की पूर्ति करने वाली कामधेनु गैया है तुम्हारे घर की। एस वो स्विष्ट काम दुख, ये तुम्हारी कामधेनु गऊ है। यज्ञ से ही जनक जी ने जानकी को पाया है, यज्ञ से ही श्री दशरथ जी ने श्री राम जी को पाया है, और यज्ञ के माध्यम से ही श्री विश्वामित्र जी ने इस शक्ति और शक्तिमान दोनों को मिलाया है। हरिष्ठी यज्ञ करके जनक जी ने जानकी को पाया है, पुत्रष्ठी यज्ञ करके श्री दशरथ जी ने श्री राम जी को पाया है, और अब बक्सर में छना हुआ जो विश्वामित्र जी का यज्ञ है वो राक्षस लोग आके कहते हैं कि हम यज्ञ नहीं होने देंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं कि यार तुम कहाँ के रहने वाले, लंका के रहने वाले हो, हम अपने देश के धरती में अपने घर की जमीन में अग्नि कुंड बनाए हैं, हमने अपने आप इसमें आग प्रज्वलित की है, हम अपने खेत की उपज में से थोड़ा चावल, थोड़ा जौ, थोड़ा तिल, थोड़ा गुड़ और अपनी गाय का घी इसमें हवन कर रहे हैं, तुम्हारा क्या जाता है जिसमें आकर के हस्तक्षेप करते हो। बोले कुछ नहीं, हमने धर्म विरोधी अभियान चालू कर दिया है, इसलिए हमारे रहते कोई यज्ञ कर ही नहीं सकता है। विश्वामित्र जी ने यज्ञ कार्य को ठप कर दिया। ठीक, नहीं करने दोगे? बोले नहीं करने देंगे। बोले कि हम तो अब दंड का परित्याग कर चुके हैं, ये भी पहले राजा थे महाराज विश्वामित्र जी, गांधी राजा के पुत्र, लेकिन अब राज दंड का हमने न्यास कर रखा है, परित्याग कर रखा है और धर्म दंड धारण कर रखा है, हम तो अब दंड का विधान करेंगे नहीं। चाहते तो महर्षि विश्वामित्र में ये क्षमता थी उन राक्षसों के लिए कमंडल में से थोड़ा सा जल लेकर के और अभिशप्त करके अगर उनके ऊपर प्रयोग करते तो एक अंजलि जल भी ज्यादा हो जाता उन दुष्टों को नष्ट करने के लिए। महर्षि वशिष्ठ ने ये बात दशरथ जी को समझाई है, तेषाम माने उन राक्षसों के निग्रहण शब्द माने उनको दंडित करने में सक्षम ये विश्वामित्र महामुनि, ये महामुनि स्वयं समर्थ है, तेषाम निग्रहण शक्त स्वयं चुकुशकात्मज। फिर हमारे यहाँ आकर के हमारे राम भद्र की याचना क्यों कर रहे हैं?
परितव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों के हित के लिए। और इनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र का क्या अर्थ होता है जी? सीधा सीधा अगर लगा लेंगे तो अस विश्वस्य अमित्र, अमित्र माने दुश्मन नहीं, ये अर्थ नहीं है। मित्र चरसव एक सूत्र दिया है श्री पाणिनि जी ने, यहां अस विश्वस्य अमित्र नहीं, अस विश्वस्य आसमंतात मित्रो यह असौ विश्वामित्र, इस विश्व के मित्र। और कैस किस प्रकार के मित्र हैं? बोले आसमंतात सर्वतो भावेन, कायिक वाचिक मानसिक ऐहिक पारमार्थिक सब प्रकार से जो मित्र का काम करे उसका नाम है विश्वामित्र। मित्र किसको कहते हैं? बोले मिलंतम त्रायते इति मित्र, जो निकटतम लोग हैं अपने संपर्की लोग हैं उनको दुख से संकट से जो त्राण दिलावे उसका नाम है मित्र। निरंतम त्रायते मित्र। विश्वामित्र जी को चिंता लग रही है, राक्षस कहते हैं कि हम यज्ञ नहीं होने देंगे। उस समय तो विश्वामित्र जी ने यज्ञ को ठप कर दिया, लेकिन उसी दिन भगवान भोलेनाथ से ऐकांतिक प्रार्थना की। भोलेनाथ जगह जगह से भटक भटक के सिद्धाश्रम में आईली, भोला बाबा हो भोला बाबा हो, दिनी जग अचानक हमें ठान, भोला बाबा हो भोलेनाथ। अपनी साधना की अवधि में मैंने बहुत जगह साधनाएं की, लेकिन हर जगह साधनाओं में विघ्न आया। कहीं मेनका ने विघ्न डाल दिया, कहीं देवराज इंद्र ने विघ्न डाल दिया, और यहां हमने ये सुनकर के यज्ञ ठाना है जिसका नाम है सिद्धाश्रम। यहाँ की साधना असिद्ध नहीं रह जाएगी, आज नहीं तो कल यहाँ की साधना में सिद्धि अवश्य होगी। और यहाँ भी आकर के ये राक्षस उपद्रव कर रहे हैं, मैं क्या करूं? सोचत मुनि कौशिक शुभ यज्ञ कैसे पूर्ण होए, पापी निशाचर दुख देत अति भारी है, ताड़ का स्वभाव और मारीच नीच त्रासत नित संगले सहायक असंख्य शस्त्र धारी, सापे बड़ पाप, अगर इनको साप देकर के नष्ट किया जाए तो एक क्षण में नष्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारी साधना खंडित हो जाएगी। सापे बड़ पाप तो सहो, बोले सहे सिर पर सवार दुष्ट, तब समुझ परे ना युक्ति सोच मतिहारी है, क्या निर्णय ले रहे हो विश्वामित्र जी? बोले विपत्ति जाए टारी हो समस्या हल सारी, करे रक्षा जो हमारी त्रिपुरारी और मुरारी, मुरारी त्रिपुरारी भगवान हरिहर अगर कृपा कर दे तो हमारी साधना सिद्ध हो सकती है। और बलिहारी जाऊं, विश्वामित्र जी श्री हरे नमः ऐसी चिंता कर रहे थे, उसी समय में भगवान शंकर ने इनको स्वप्न में आदेश दिया, विश्वामित्र जी चिंता मत करो, ये आप ही की चिंता नहीं है, ये सारे विश्व की चिंता है, सारे विश्व के कल्याण पर आघात कर रहे हैं ये राक्षसी वृत्ति वाले, और सारे विश्व का हित होना है, और उसके लिए विश्वनाथ उपाय बता रहे हैं और विश्वामित्र के द्वारा उसका कार्यान्वयन कराएंगे। सुकृत अवधि, सुकृत अवधि अवधेश मिथिलेश दो, पूर्व के मिथिलेश और पश्चिम के अवधेश, सुकृत
मैंने धार्मिक कृत पुण्य के अवधि में सीमा पर पहुंचे हुए हैं। सुकृत अवधि अवधेश मिथिलेश दो हरो तरु सुकृत स्नेह सुधा सीच में नारायण दो की विवाह चित्त चिंता मिटे। लेकिन कब आवे जब दो एक दूजे के नगीच में बीच में मारीच और ताड़का से नीच रहे प्राणन को खींच वेद धर्म परो खींच में तो बोले विश्वनाथ बात सबकी बनेगी सबकी बात बन जाएगी। बोले विश्वनाथ बात सबकी बनेगी कब अगर बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र परे बीच में। ये मत समझिएगा कि बक्सर के हैं इसलिए बक्सर की बड़ाई कर रहे हैं, ये तथ्य है। विश्वामित्र बाबा अगर बिचौलिया बन जाए तो पूर्व वाले मिथिलेश की भी चिंता दूर होगी, पश्चिम वाले अवधेश की भी चिंता दूर होगी। कैसे दूर होगी? बोले प्रगटे नारायण प्रभु अवध में किशोर रूप, दशरथ सुत राम लखन जाय जांच लाइए, गौरव गुरुताई सिद्ध होवे सिद्धाश्रम को, अस्त्र शस्त्र विद्या दे के गुरु पद पाइए, असुरन को संहार होए और दूर भूमि भार होए, धर्म को प्रचार यज्ञ पूर्ण करवाइए, प्रगटे विरद पतित पावन अहिल्या तारी और धनुष यज्ञ के विस्त शक्ति और शक्तिमान को मिलाइए। आवश्यकता है शक्ति और शक्तिमान के मिलने की। शक्ति मिथिला में है और शक्तिमान अयोध्या में। अब विश्वामित्री जी जब बिचौलिया बन जाएंगे तो या ही मिस कौशिक और वशिष्ठ को मिलाप होए, साफ पाप मिटे मुनि गौतम की नारी को, यज्ञ पूर्ण तूर्ण हो मारीच मद चूर्ण हो, विदेह प्रण पूर्ण हो पिनाक मखभारी को, शक्ति शक्तिमान मिले भक्ति और ज्ञान मिले और मान मिले गिरिजा गणेश त्रिपुरारी को, सिद्ध सुर काज हो समाप्त असुर साज हो, फिर आदर्श राम राज हो चरा चरण सुखारी को। भगवान शंकर ने विश्वामित्र जी की सोई हुई हालत में स्वप्नादेश किया, विश्वामित्र जी आप चिंता न करें, आप पहले अयोध्या चले। अयोध्या से दशरथ नंदन राम लक्ष्मण को मान करके ले आवे। राम अवतारी हैं शेषी और लक्ष्मण अवतार हैं शेष हैं। ये शेष शेषी अवतार अवतारी ये दोनों आकर के बक्सर में स्वयं यज्ञेश्वर यज्ञ से ही प्रकट हुए हैं और उन्हीं की कृपा से आपका द्रव्य यज्ञ पूरा होगा, उन्हीं की कृपा से अहिल्या का शरणागति यज्ञ पूरा होगा और उन्हीं की कृपा से जनक जी का धनुष यज्ञ भी पूरा होगा और परशुराम जी ने भी एक यज्ञ ठान रखा है। मैं एक परशु काट बलि दीन है समर यज्ञ जप कोटि की है। परशुराम जी का समर यज्ञ भी सबकी पूर्णाहुति बाकी है और सबकी पूर्णाहुति हो जाएगी कब? जब राम जी आ जाएंगे बीच में। तो इसके लिए विश्वामित्र बाबा कदम उठा ले। इतना सुनते ही विश्वामित्र जी सवेरे उठे, नित्य कृत्य करके और खास पग सर्वास बक्सर, यहाँ आप लोग भी कोई कोई महानुभाव कृपा करते हैं, श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पधारते हैं, जो नहीं पधारे हैं उनके लिए भी आमंत्रण है। महीना मक्सर और स्थान बक्सर। श्री हरे नमः। हिंदी का महीना निर्धारित है जैसे यहाँ के पाठोत्सव और वृंदावन वाले गुरुदेव की प्रिया प्रियतम मिलन महोत्सव, इसी तरह से बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव। हिंदी की तिथि अगहन बदी तेरस से अगहन सुदी छठ तक,
अंग्रेजी का महीना बदलता रहता है। पिछले साल नवंबर में पड़ा था, इस साल 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का उत्सव। जो आना चाहें नोट कर लें, सादर आमंत्रित हैं आप सभी लोग। उसी बक्सर से, जैसे इधर डोकरी से डोकरिया बोलते हैं ना, नौका से नवरिया, ऐसे ही बक्सर से बक्सरवा। ये भोजपुरी भाषा का थोड़ा स्वारस्य। खास बक्सरवा से करके बिचरवा हो डगरवा थई के ना। हाँ, खास बक्सरवा से करके बिचरवा हो डगरवा थई के ना। डगरवा थई के मने डगरा मार्ग, रास्ता पकड़ करके। कौशिक चल ले अक्सरवा हो डगरवा थई के ना। कौशिक चल ले अक्सरवा हो डगरवा थई के ना। बक्सर से चल पड़े अयोध्या का मार्ग पकड़ करके। और चलत चलत गईले अवध नगरवा पहुंचे सरजू किनरवा हो डगरवा थई के ना। और पहुंचे राजा के दरबरवा हो डगरवा थई के ना। पहुंचे राजा के दरबरवा हो डगरवा थई के ना। पहुंचे राजा के दरबरवा, राजा दशरथ के दरबरवा हो डगरवा थई के ना। पहुंचे दशरथ के दरबरवा हो डगरवा थई के ना। इतनी बात को गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में कहा। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। दशरथ जी के दरबार में पहुंचे, अभी बैठक बैठी ही थी, विचार विमर्श हो ही रहा था कि राम भद्र के लायक बहु कहां मिलेगी और कब मिलेगी। और गुरु वशिष्ठ बता चुके थे कि उसका उपक्रम अब होने ही वाला है और बिचौलिया आने वाले हैं। इसी बीच में खबर मिली, प्रत्याहारी खबर लेकर के आए, महाराज अवध नरेंद्र नंदन, अवध नरेंद्र महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की जय जयकार हो। कहो प्रत्याहारी क्या समाचार लाए हो। बोले कि सिद्धाश्रम व्याघ्रसर अब का बक्सर कोई स्थान है। बोले हाँ हाँ। बोले वहां से एक मुनि आए हैं, नाम अपना बता रहे हैं विश्वामित्र। अच्छा विश्वामित्र जी आए हैं। बस इसी ने कहा, देखो मैं कह रहा था ना कि बिचौलिया आने ही वाले। सो झट ए हाँ मुनि आगमन सुना जब राजा। आसन में
को लेकर के अगवानी करने के लिए महाराज दशरथ जी बाहर आए, चरणों में प्रणत हुए, धरती पर लौट कर दंडवत प्रणाम करते हुए और उनको लाए और अपने आसन पर निज आसन बैठा रिया ने। इसमें बहुत प्यारा भाव है, राजा के आसन पर एक बाबा जी कैसे बैठ जाए, बैठा दिए, किसी ने इतराज नहीं किया, किसकी हिम्मत जो इतराज कर दे। चक्रवर्ती जी स्वयं बैठा रहे हैं, नहीं नहीं राजन ये आपका आसन है, आप इस पर बैठिए। नहीं महाराज, आसन आपका है, केवल आदर में बोल रहे हैं, नहीं अभिधा में बोल रहे हैं। मेरा आसन कैसे है, बोले मेरे पूर्वज थे हरिश्चंद्र जी और हरिश्चंद्र जी ने पूरा राज्य आपको दान दे दिया था और इस गद्दी के मालिक तो आप हो चुके थे, तो आपकी कृपा थी जो हरिश्चंद्र जी को शमशान में भगवत दर्शन हुआ और भगवान का अनुग्रह हुआ। उसके बाद जब लौटाया जाने लगा राज्य हरिश्चंद्र जी को, तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि सरकार दान किया हुआ राज्य में कैसे ले सकता हूँ वापस, ये तो विश्वामित्र जी की गद्दी है, इनको सौंपी जा चुकी है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जब मैं अपना पैतृक राज्य त्याग कर चुका हूँ और महर्षि ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करके और इससे ऊंचा पद संभाल रहा हूँ सप्तर्षि मंडल में, सप्तर्षि मंडल में भी विश्वामित्र जी है, जिमदग्निर् भरद्वाज विश्वामित्रो गौतम कश्यप अत्रि वशिष्ठश्च एते सप्तर्षय स्मृता, इतनी ऊंचाई वाला वो सप्तर्षि का पद छोड़ करके अब मैं तुम्हारे अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने के लिए आऊंगा, चलो तुमने दे दिया मैंने स्वीकार कर लिया, अब मेरी गद्दी हो चुकी, लेकिन मैं किसी न किसी को यहाँ पर नियुक्त तो करूंगा ना, तो तुमको अपनी तरफ से नियुक्त कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से तुम यहाँ का राज्य संभालो, स्वामी की हैसियत से नहीं, स्वामी विश्वामित्र को मांगते रहो, सेवक की हैसियत से तुमको यहाँ सेवा संभालने के लिए नियुक्त कर रहा हूँ। तो तभी से ये हरिश्चंद्र के बाद जितने राजा लोग हुए ये सब विश्वामित्र जी की जो मिली मिलाई गद्दी है उस पर बैठ करके और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब आज मालिक स्वयं आ गए इसलिए अब तो यही बैठेंगे, दशरथ जी नीचे खिसक सके। करि दंडवत मुनि सन्मान, चरण प्रक्षारण किए, पूजन किए, अपना भक्त सराहा, और मेरे समान धन्य दूसरा कौन हो सकता है। विविध भात भोजन करवावा, अनेक प्रकार से भोजन त्याग करा करके मुनिवर हृदय दोष तो हर्ष अति पावा, विश्वामित्र जी बड़े हर्षित हुए इनका शील शिष्टाचार देख करके। इसके बाद दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी आज्ञा निर्नाथ का कि चारों लाल ले आए जाए और मुन्नाथ के चरणों में प्रणत कराए जाए, बस उन्हीं चरणनी में ले सुत चारी।